ये तो मेरी फोटो है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के सीरियल मेघा बरसेंगी की, जहां पर हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जी हां, अब तक हमने देखा था कि भाई फाइनली हमारी मेघा ने अपने अर्जुन की नौकरी को बचा ली। अब यहां पर अर्जुन बेहद खुश है और उसी के साथ साथ हमारी मेघा भी बेहद खुश है। बाकी कहानी में हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारी मेघा जो है वो मनोज से जुड़ी हर चीजों को एकदम खत्म कर देना चाहती है। वो चाहती है कि अब मनोज उसकी जिंदगी में कहीं किसी भी जरिए से वो एग्जिस्ट ना करे। और इस बार इसी वजह से मेघा ने मनोज के दिए हुए सारे गिफ्ट्स, सारे लेटर्स को और उसके दिए गए हर चीज को वो आग में जला देती है। और इसी के साथ इस बार मेघा के घर में एक लेटर आता है, एक कुरियर आता है, और जैसे ही वो लेटर को पढ़ती है तो मेघा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, इस लेटर में मनोज ने उसे लिखा होता है कि कुछ फोटोज है, कुछ वीडियोज है जिसे मैं वायरल कर दूंगा और तुम बहुत जल्द फेमस हो जाओगी। और मेघा के फोन पर जैसे ही वो वीडियो आता है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। जी हाँ, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मनोज और मेघा की कुछ प्राइवेट वीडियोस है जिसे मनोज ने लीक करने की धमकी दे दी। अब ये सुनने के बाद और देखने के बाद तो भाई घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सबका दिमाग हिल जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेघा तो यहाँ पर कांपने लगती है, इतनी डर जाती है कि अब वो समझ ही नहीं पा रही कि अब वो इस दलदल से कैसे बाहर निकलेगी। और वो चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि मनोज मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे सुकून से कभी भी नहीं रहने देगा। अब यहाँ पर मेघा डर गई है कि अब आगे वो क्या करेगी खुद को बचाने के लिए। इसी के साथ आपको बता दो कि अब घर वालों के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है और हो सकता है कि इस बार ये लोग मनोज के खिलाफ जो FIR इन लोगों ने दर्ज करवाया है वो उसे वापस ले ले। इसी के साथ कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे अर्जुन की बुआ जी यानी कि नवजोत और मनोज ने हाथ मिला लिया है। जी हाँ, ये बात हम ऐसे कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मनोज ने बुआ जी के सामने एक स्टेटमेंट बोला जिसमें उन्होंने बोला कि आपने बिल्कुल सही घोड़े पर दाव लगाया है, अब आप मेरा जलवा देखो। अब इसका मतलब यही निकलता है कि भाई बुआ जी और मनोज ने मिलकर कोई नई प्लानिंग की है, कोई नई डील की है मेघा के खिलाफ। लेकिन अब वो क्या प्लानिंग है, क्या डील है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि मनोज जो है इस बार वो मेघा के घर के बाहर आता है, बहुत ज्यादा तमाशा करते हुए दिखाई देता है। आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि अब मनोज कौन सी नई चाल चलेगा मेघा के खिलाफ।